हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल दैट इज़ यशिका सैनी व्लॉग्स। तो आज जो व्लॉग होने वाला है वो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, तो मेरे को लगा कि मुझे ये दिखाना चाहिए कि इस बार जो करवा चौथ को मैं ड्रेस पहनने वाली हूँ वो क्या है। पर वो अभी आपको अभी भी पता नहीं लगेगा, पर मैं उसको खुद ही बनाने वाली हूँ। ये चीज़ मैंने शायद कभी व्लॉग्स में बताई नहीं है कि मैंने शादी से पहले फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था, तो उसको मैंने इतना ज़्यादा किसी को बता भी नहीं रखा है। बहुत ही कम लोगों को पता है कि मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर रखी है, और ये भी इसलिए करी थी क्योंकि मैं हमेशा एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में रहती हूँ और मेरे साइज़ के जो कपड़े होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं। तो मैंने ये सोचा था कि अगर मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग करूँगी तो मैं सबसे ज़्यादा अपने कपड़े सिलूँगी। पर ऐसा कभी हो पाता है क्या? जिसको भी कपड़े सिलने के बारे में कुछ भी पता होता है वो कभी अपने कपड़े सिल ही नहीं सकता, उसके पास औरों के ही कपड़े इतने आते रहते। तो मैंने इसको गुम ही कर दिया अपने अंदर से कि मैंने किसी को बताया ही नहीं कि मुझे आता है, पर मुझे आता है। तो देखिए, ये एक साड़ी है जो कभी भी मैंने पहनी नहीं है, ये यू की यू न्यू क्लोथ जिसे कहते हैं, बिल्कुल नई साड़ी रखी हुई थी। तो इसको सोच के मैंने एक ड्रेस सोची और उसका लुक मैं आपको पहन कर ही दिखाऊंगी जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगी करवा चौथ। आज 18 तारीख है, आज का और कल का दिन ही है मेरे पास इसको रेडी करने का, और मैं कोशिश करूंगी इसको 18 को ही रेडी कर लूं। तो अभी इसकी कटिंग करूंगी मैं, और उसके बाद जब 20 तारीख को इसे पहनूंगी, जब मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसे लगने वाली है। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, जो ड्रेस है वो धोती स्कर्ट है, और बाकी का लुक उसी दिन मैं आपको दूंगी जब ये रेडी हो जाएगी। मैं आपके यहाँ सामने ये जो व्लॉग है वो पूरा स्टिच करके दिखाऊंगी, पर बताऊंगी नहीं मैंने इसे कैसे सिला है, तो देखते रहिएगा। अभी तो फिलहाल मैं इसकी कटिंग करने वाली हूँ, कटिंग करने के बाद फिर इसको स्टिच करूंगी। तो पूरी साड़ी तो आप सभी को पता है 5.5 से 6 मीटर का कपड़ा होता है, और आराम से मेरी पूरी ड्रेस इसमें से बन के आने वाली है। और मेरे को इस बार साड़ी तो मैं रात में पहनूंगी, पर दिन में पहनने के लिए मेरे को सूट नहीं डालना था, कुछ अलग डालने की सोच रही थी मैं, इसलिए सोचा कुछ अलग बनाएंगे। तो ये तो आपको 20 तारीख को ही पता लगेगा कि कैसी ड्रेस बनी है, और आई डोंट नो कि कैसी बनने वाली है, पर उम्मीद करती हूँ कि अच्छी ही बनेगी। तो बाकी अभी कटिंग करके दिखाते हैं। आप सभी को पता है हर मैरिड लड़की के लिए करवा चौथ का व्रत कितना ज़रूरी होता है, और अगर वो लड़की मेरे जैसी हो तो उसका दिमाग तो बहुत इनोवेशन में चलता रहता है कि क्या अलग मैं पहन लूँ और अपने आप को सबसे अलग दिखा दूँ। तो इस बार भी मेरी यही सोच थी कि मेरे को कुछ ऐसा पहनना था जो मेरे आसपास तो कोई नहीं पहनने वाला है, और मेरे को अच्छा लगता है कि मैं कुछ ऐसी ड्रेस बनाऊँ जो खुद ही बनाऊँ और उसको मैं पहनूँ, ताकि औरों को भी दिखा सकूं और आसान तरीके से उस ड्रेस को बनाने का तरीका सबको सिखा सकूं। इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर आपको नहीं बताया है कि किस तरीके से ये वीडियो में किस तरीके से ड्रेस बनी है, पर अगर आप में से कोई भी चाहता है कि इस ड्रेस की वीडियो मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से मैंने बनाई है इतने आसान तरीके से, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैं इससे एक और एक ऐसी ड्रेस मैं आपको बना के दिखाऊँगी विद फुल कटिंग, कि कितने आसान तरीके से हम इस ड्रेस को बना सकते हैं। मैंने विद इन 2 आवर्स इस ड्रेस को कंप्लीट कर लिया था काफ़ी आसानी से, और श्रग तो इसका बहुत ही आसान है, और आई थिंक आपने श्रग की कटिंग जब मैं कर रही थी तो आप देख के समझ गए होंगे कि कितना आसान था वो। 1.25 से 1.5 मीटर का कपड़ा लिया था साड़ी में से ही मैंने, और बस उसके अंदर स्लीव्स के लिए होल कट करे थे, और वहाँ से स्लीव्स हमने निकाल ली, और बस उसको मैंने स्टिच करा है, और उसके बाद श्रग हमारा रेडी हो गया है। बाकी थोड़ी बहुत जो हमारा काम है वो हमारा मेन स्कर्ट के ऊपर है, जो धोती स्कर्ट है वो किस तरीके से बनेगी। तो आप सभी को बताया, आवाज़ मेरी काफ़ी दिन से ख़राब चल रही है और मैं उसका ट्रीटमेंट लेने लग रही हूँ। बहुत जल्द मैं अपनी आवाज़ के साथ वापस आऊँगी, जो मेरी पहले की आवाज़ थी। कुछ दिन और बस इंतज़ार कर लीजिए इस फटे बाँस के साथ, उसके बाद मैं फाइनली अपनी आवाज़ के साथ आऊँगी। और ये मैंने फुल स्पीड के अंदर अपनी सिलाई मशीन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैंने खुद को चैलेंज दिया था कि 18 डेट को ही मुझे ये कंप्लीट करनी है, और मैंने 18 को ही इसको तैयार कर लिया था, और फाइनल लुक भी मैंने इसके अंदर आपके लिए डाला है एंड में। और वो जो फाइनल लुक है वो 20 को था, जब मैंने 20 को ये ड्रेस पहनी थी तब मैंने इसका फ़ाइनल लुक डाला था।
तो थोड़ी देर में ही वो वाली वीडियो भी आपके सामने मैं दूंगी। तो ये है फाइनली मेरा लुक करवा चौथ की ड्रेस का। तो मैंने वीडियो आप सभी के आगे मैंने बनाई थी कि मैं एक ड्रेस बना रही थी और ये एक साड़ी में से बनी हुई ड्रेस है, तो एक न्यू साड़ी रखी थी। तो बताइए आपको ये लुक मेरा कैसा लगा, और अगर आप में से कोई भी इसकी वीडियो चाहता है तो मैं इसकी वीडियो भी बना के डाल सकती हूँ। और फाइनली लुक ये है, ये धोती स्कर्ट है विद श्रग, और आप इनर इसके साथ कुछ भी डाल सकते हैं कॉन्ट्रास्ट के साथ, ब्लैक डाल लीजिए, पिंक डाल लीजिए, या कोई भी ऐसी ड्रेस के साथ मैच कर जाए कलर, इस तरह का कलर लेके आप इनर डाल सकते हैं। तो बताइए कैसी लग रही है मेरी ड्रेस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।